इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है और ऐसे में जमुई जिले के झाझा के VGPT संस्थान के करीब 80% बच्चों ने एक बार फिर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होकर बिहार विद्यालय परीक्षक समिति की इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में एक बार पुनः परचम लहराया है। वहीं जब रिजल्ट घोषित होने के बाद नेशन न्यूज की टीम ने VGPT के संचालक और छात्र छात्राओं से बातचीत की, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अमीशा कुमारी, इंटरमीडिएट की स्टूडेंट रही हूँ। हाँ। किस वर्ष एग्जाम हुआ है? 2020-22 मतलब 2020-22 का सेशन है, 22 में एग्जाम हुआ है। कितना मार्क्स आया आपका? 434 434। हाँ, आज ही आया है। क्या कहना चाहेंगे और लड़कियों से या फिर जहाँ से पढ़ाई किए हैं उस इंस्टीट्यूट को, क्या कहना चाहेंगे इस बारे? यही कि अच्छा पढ़ाई होता है VGPT में और बहुत मेहनत करने पर ही आता है इतना मार्क्स, और सबसे कहना चाहेंगे कि पढ़े। के बीच पढ़ाई हुई थी, एक साल कोरोना में गुजर गया था, ऐसे में कई छात्र छात्राएं जो है वो बहुत मुश्किल में पड़ गए थे कि इंस्टीट्यूट भी बंद कर दिया गया था सरकार के द्वारा, तो किस तरह की परेशानी आई थी बीच में आप लोगों को? बहुत सारा चैप्टर्स कवर नहीं कर हो पाया था और थोड़ा टेंस्ड भी थे कि एडमिट कार्ड वगैरह या फिर वैक्सीनेशन वगैरह इस सब के लिए भी टेंस्ड थे हम, लेकिन फिर भी सर बहुत मेहनत की और अधिकतर सब्जेक्ट या चैप्टर को कंप्लीट करवाए हैं। किसको श्रेय देना चाहिए? VGPT टीचर्स, पेरेंट्स और भी स्कूल टीचर्स। इंस्टीट्यूट के अलावा भी क्या मतलब आप लोग सेल्फ स्टडी पे ध्यान देते थे या फिर? हाँ, तो सेल्फ स्टडी तो सबसे फर्स्ट है इंस्टीट्यूट के बिना, कुछ भी नहीं। सेल्फ स्टडी के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, आप कितने भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में क्यों ना पढ़ें, सेल्फ स्टडी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खुशी कुमारी। कितना मार्क्स आया? 402। किस विद्यालय से पढ़ी? ओम प्रकाश कॉलेज झाझा। कैसी पढ़ाई रही कोविड के बीच या फिर किस तरह का एग्जाम में पैटर्न आया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा रहा पढ़ाई, एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी इस बार अच्छा था, 50% था, इसलिए और अच्छा रहा हम लोग के लिए। घर से पढ़ाई हुई है या फिर इंस्टीट्यूट? VGPT में। VGPT। तो कोविड के बीच लॉकडाउन लगा था, उसमें इंस्टीट्यूट बंद कर दिया गया था, ऐसे में क्या 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 परेशानियाँ हैं? कोई दिक्कत नहीं सर, लोग ऑनलाइन स्टार्ट कर दिए थे तो इसलिए हम लोग को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। जो चैप्टर छूटा हुआ था वो भी कम्प्लीट हो गया? हाँ, ऑनलाइन में भी करवाए, फिर यहाँ पे ऑफलाइन हो गया तो सर स्टार्ट कर दिए थे। जब आप एग्ज़ाम देकर एग्ज़ाम सेंटर से निकली तो कैसा लग रहा था? लग रहा मतलब कितना मार्क्स का उम्मीद था आपको, क्या उस जिस तरह से आपने उम्मीदें की थी अपेक्षा थी उस टाइप से आया, या फिर अभी भी लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है मार्क्स में? लग रहा है कि गड़बड़ हुआ है, 400 तो एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना कम आएगा, और मार्क्स ऑब्टेन करना था। देखिए संजीव कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, क्या मार्क्स आया मिनी सिलेबस से, कितना मार्क्स आया आपको? 429। 429 आया है। हाँ। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में आपको मार्क्स आया? मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में। हाँ। क्या लग रहा है और भी कुछ सब्जेक्ट में मार्क्स आने थे या फिर जितना उम्मीद थी उतना ही आया? नहीं, और आना चाहिए था। तो किस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि कम आया? चार सब्जेक्ट में लग रहा है हमको, सिर्फ इंग्लिश छोड़ा के बाकी बाद हिंदी, इंग्लिश हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। क्या फाइट करेंगे फिर से? हाँ करेंगे, चैलेंज करेंगे। हाँ। आदित्य बंडवाल। कितना मार्क्स आया और किसको से? 432। 432। पहले तो VGPT। VGPT से। कहाँ के स्टूडेंट? झाझा। झाझा में किस विद्यालय? DSM कॉलेज। घर? पुरानी बाजार नवा। सर कई स्टूडेंट जो है वो बता रहे हैं कि 434 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पार हुआ, कितने बच्चे जो है वो 400 के पार अंक लाए और क्या कहना? देखिए अभी तक जहाँ तक हमको रिजल्ट पता चल पाया है मेरे इंस्टीट्यूट का, उसमें 434 हाईएस्ट है, लेकिन उम्मीद है कि इससे ज़्यादा अधिक मार्क्स आ सकता है और भी स्टूडेंट का, क्योंकि सभी स्टूडेंटों का अभी पता नहीं चल पाया है, है ना, तो उम्मीद है कि और भी मार्क्स अधिक आएगा। कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है यहाँ? साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की पढ़ाई होती है। तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी? सब अलग अलग फैकल्टी। सर एक बात पूछना चाहूँगा कि कोविड के बीच जो लॉकडाउन हुआ था उस बीच बच्चों के लिए भी परेशानी हुई थी और शिक्षकों के लिए भी, तो कैसे आप लोगों ने मैनेज किया? नहीं, हम लोग जो भी बंद हुआ था जिस समय इंस्टीट्यूट कोविड के दौरान, उस समय हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे थे, है ना, तो जितना हो सका हम लोग ऑनलाइन किए, फिर जैसे ही इंस्टीट्यूट खुला हम लोग ऑफलाइन स्टार्ट किए और हम लोगों ने लगभग सारा टॉपिक कवर कर दिया था और रिजल्ट भी आपके सामने है। हमारे इंस्टीट्यूट के लगभग 15 से 20 स्टूडेंट 400 से ऊपर मार्क्स लाए हैं, है ना, सबों का रिजल्ट अभी तक जितना भी पता चला है सब अच्छा है। आपको कितना संतुष्टि है कि बच्चे इतना मार्क्स लाए और कितनी खुशी जाहिर कर रहे हैं? नहीं, खुशी तो टीचर को बहुत होती है जब उनके स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो
खुशी बहुत होती है ना, कि हम लोग मेहनत करते हैं स्टूडेंट के पीछे और स्टूडेंट भी अपना दिन रात लगे हुए रहते हैं, क्योंकि सिर्फ टीचर का मेहनत कुछ नहीं होता है। जब तक स्टूडेंट अपना सेल्फ स्टडी नहीं करे, ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करे, तब तक ये मतलब रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, है ना। तो हम लोग का मेहनत जो है उसके साथ साथ स्टूडेंट ने अपना पूरी ईमानदारी से मेहनत किया, अपना 100% दिया, तभी ये पॉसिबल हो पाया। जो आपके आपके जो छात्र छात्राएं हैं वो जो टॉपर किए हैं उनके लिए क्या शुभकामनाएं आगे उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहना? हम यही कहेंगे कि आप ये मेहनत आगे करते रहें, है ना। जो भी आपका उद्देश्य है जीवन में वो जरूर मिलेगा, लेकिन आप पूरी ईमानदारी से अपना पढ़ाई करें, है ना, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे रहे हैं। क्या उन बच्चों को सम्मानित भी क्या जाना है या फिर? हाँ, देखते हैं, हम लोग कोशिश तो करेंगे कि एक सम्मान समारोह रखें बच्चों का मनोबल बढ़ाने। हाँ, मनोबल बढ़ाने के लिए, है ना। मेरा अजीत कुमार नाम है, मैं यहाँ फिजिक्स का फैकल्टी हूँ।